दोस्तों शेर और कोमोडो ड्रैगन ये दोनों ही जानवर काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम शेर के बारे में बात करें तो शेर इस दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है जो अपने साहस, ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता है, जिसकी ये सब खूबी इसे पूरे जंगल का राजा बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कोमोडो ड्रैगन भी छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये अक्सर मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ये जानवर खतरनाक नहीं है। कोमोडो ड्रैगन भी काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीला जानवर है, जिससे दूसरे जानवर शायद ही कभी टकराते होंगे, परंतु तब क्या होगा जब ये दोनों ही जानवर यानी शेर और कोमोडो ड्रैगन आपस में लड़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर लायन और कोमोडो ड्रैगन में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर दें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शेर के बारे में। यह बाघ के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। एक व्यस्त शेर का वजन आमतौर पर 150 से 250 किलोग्राम के आसपास होता है। शेर एक काफी ज्यादा शक्तिशाली जानवर है। इसे प्राचीन समय से ही जंगलों का राजा माना जाता है। शेर आमतौर पर रात के समय ही सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के जगहों में भी रह सकते हैं, लेकिन इन्हें घास के मैदान, सवाना, घने झाड़ी और खुले जंगलों में रहना पसंद है। आज केवल जंगली शेर उप सहारा अफ्रीका और एशिया में भारत के गुजरात राज्य में ही पाए जाते हैं। एक नर शेर की सिर से शरीर तक की लंबाई लगभग 170 से 250 सेंटीमीटर होती है और इनके कंधे तक की ऊंचाई लगभग 123 सेंटीमीटर होती है। शेर इतना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली जानवर होने के बावजूद भी दिन में 20 घंटे तक सोता है, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि ये एक आलसी जानवर है। इसे छेड़ने पर यह तीव्र गति से हमला भी कर सकता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ कोमोडो ड्रैगन के बारे में बात करें तो कोमोडो ड्रैगन छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो इंडोनेशिया के द्वीप कोमोडो, रिंका, फ्लोरेंस, गिली मोटांग और गिली दासमी में पाए जाते हैं। एक कोमोडो ड्रैगन 3 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है। इनका वजन 70 किलो तक होता है। ये तेजी से दौड़ भी सकते हैं और ये कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इन्हें शायद ही कभी जिंदा शिकार पकड़ने की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि ये अपने शिकार को काटकर उनके शरीर में एक जहरीला पदार्थ छोड़ देता है, जिसकी वजह से उस जीव का रक्त का बहना रुक जाता है और वो मर जाता है। ऐसा देखा गया है कि इनके काटने से दूसरे जानवर खून की कमी से सदमे में चले जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन हवा को महसूस करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है। इनके पास केवल एक ही कान की हड्डी होती है। इन सब के होने के बावजूद भी कोमोडो ड्रैगन एक काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीला जीव है। दोस्तों अगर हम इन दोनों जानवर लायन और कोमोडो ड्रैगन में कौन जीतेगा इसकी बात करें तो कोमोडो ड्रैगन के जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, परंतु इनकी लड़ाई में लायन ही जीतेगा, क्योंकि लायन एक भारी भरकम और ताकतवर जानवर है जो कोमोडो ड्रैगन को दबोचकर उसी समय मार देगा। लेकिन कोमोडो ड्रैगन भी एक जहरीला जीव है, जिसके पास काफी खतरनाक बैक्टीरिया है जो शेर के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है इन दोनों जानवर लायन और कोमोडो ड्रैगन में कौन जीतेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपने अब तक हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे। और हाँ, आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।